अगर मैं आपसे कहूं कि सौरमंडल में एक 4.5 अरब वर्ष पुराना फ्रिज है तो आप मानोगे? इस फ्रिज में सूर्य के जन्म लेते वक्त की रासायनिक संरचना, परिस्थिति, उथल पुथल आज भी 4.5 अरब वर्ष बाद संजो कर रखा गया तो आप मानोगे? चलिए आज के वीडियो में एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में जान लेते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट एक ऐसा क्षुद्र ग्रहों का समूह है जो मंगल और गुरु ग्रह के बीच के अंतरिक्ष क्षेत्र में दिखते हैं। एक क्षुद्र ग्रह तकरीबन 14 करोड़ किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनके आकार छोटे से रेत के कण से लेकर सैकड़ों किलोमीटर के व्यास में फैले हुए क्षुद्र काय है। इन क्षुद्र कायों की संख्या वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। उनकी संख्या 20 लाख है और सभी क्षुद्र कायों की मिलाए तो इनकी संख्या करोड़ों में जाती है। अगर हम इन सभी क्षुद्र कायों के द्रव्यमान को मिलाए तब भी ये मुश्किल से चांद के 3% द्रव्यमान ही होते हैं। इन एस्टेरॉयड्स में भी 4 बड़े जो एस्टेरॉयड्स हैं, सिरस, व्यस्ता, पल्लस और हैगिया, इनका द्रव्यमान ही 66% होता है सभी क्षुद्र कायों का। एस्टेरॉयड बेल्ट इतना हल्का है, अगर इन क्षुद्र कायों की उत्पत्ति की बात करें तो एक क्षुद्र काय सूर्य जिस गैस और धुएं के बादल के केंद्र में बना, उसी गैस और धुएं के बादल के ठंडे बाहरी हिस्से में धूल के कणों से आपस में चिपकने से, गुरुत्व से और टकराव से ये क्षुद्र काय तकरीबन 4.5 अरब वर्ष पहले बने। एस्टेरॉयड बेल्ट में क्षुद्र कायों के प्रकार देखे थे वो है कार्बोनियस एस्टेरॉयड्स, सिलिकेट एस्टेरॉयड्स, मेटल रिच एस्टेरॉयड्स। कार्बोनियस एस्टेरॉयड्स मूलतः कार्बन से बने हैं। ये कुल क्षुद्र कायों में से 75% क्षुद्र काय इन कार्बोनियस एस्टेरॉयड्स के हैं। एस्टेरॉयड के बाहरी भाग में ये ज़्यादातर दिखाई देते हैं जो कि तकरीबन सूर्य से 52 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। एक क्षुद्र कायों की रासायनिक संरचना सूर्य की रासायनिक संरचना से मिलता जुलता है, बस हाइड्रोजन और हीलियम नहीं होता है इनमें। अगर सी टाइप के एस्टेरॉयड में सबसे बड़े एस्टेरॉयड की बात करें तो वो हैगिया, जो कि 450 किलोमीटर व्यास का एक क्षुद्र काय है। एस्टेरॉयड बेल्ट के दूसरे प्रकार सिलिकेट टाइप, 17% क्षुद्र काय जो है वो सिलिकेट टाइप के है और ये एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदरी और मध्य भाग में दिखाई देते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट चट्टान से बने होते हैं और ये प्रकाशमान होते हैं सभी एस्टेरॉयड्स में से। अगर इनमें बड़ा क्षुद्र काय देखे तो वो है जूनो एस्टेरॉयड, जो कि एक 250 किलोमीटर व्यास का एक क्षुद्र काय है। एस्टेरॉयड बेल्ट के तीसरे प्रकार के क्षुद्र काय एम टाइप एस्टेरॉयड्स। ये एस्टेरॉयड्स मूलतः इनका संरचना लोहे से बना हुआ होता है। इनमें से सबसे बड़ा प्रसिद्ध क्षुद्र काय है साइकी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एस्टेरॉयड उन बड़े बड़े चट्टानों की है जो ग्रह बनने वाले थे, लेकिन प्रारंभिक सौरमंडल के उथल पुथल और भीषण टक्करों से इनका मेंटल और क्रस्ट छिलके सिर्फ लोहे का केंद्र बच गया। वैज्ञानिकों के अनुसार एक क्षुद्र काय गुरु ग्रह के गुरुत्व के कारण कभी गुरुत्व से आपस में चिपक के ग्रह नहीं बन पाए। गुरु ग्रह का गुरुत्व इन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता रहता है और इनको तोड़ता रहता है, इनका भीषण टक्कर करवाता रहता है और इनका ऑर्बिट चेंज करवाता रहता है। इस वजह से ये कभी ग्रह नहीं बन पाए।